बैक टू योर फेवरेट चैनल। मैं अक्सर पहले सोचता था कि कोई ना कोई मेरा फ्रेंड बता देता था कि यार ये विस्की पहले जैसी नहीं है, इसकी क्वालिटी में कोई इशू है, या फिर मेरे पास कोई फेक विस्की बॉटल आ गई है, या फिर कोई ना कोई ड्रिंक खराब निकली है। लेकिन मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ था, बट कोइंसिडेंटली इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही इशू हुआ। क्या हुआ मेरे साथ ये मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा, और क्यों हुआ ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम दो दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी नए लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है, जो इशू मैंने फेस किया है ना, वो फ्यूचर में आपको कभी भी फेस करना ना पड़े। और वैसे भी मैं आप सबके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशनल और नॉलेज बेस्ड वीडियोस तो बनाता ही रहता हूँ, जैसे कि बियर्स में आपको खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, विस्कीज को खोल लेते हैं तो उनको कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर रम क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वोडका क्या होती है, ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और ऐसी ही वीडियो आज की भी होने वाली है। मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं सेल के दौरान अपने लिए बियर्स बाय करने के लिए गया ना, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मेरा कोई भी बियर ब्रांड को डीफेम करने का कोई इरादा नहीं है। ये इशू किसी भी ब्रांड की बियर के साथ आपको फेस करना पड़ सकता है। ऐसा ना सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बियर मेरे आगे पड़ी है तो इसी में वो क्वालिटी इशू आपको मिलेगा, ये आपको किसी भी ब्रांड में मिल सकता है। तो जब मैं अपने लिए बियर्स बाय करने के लिए गया ना, तो बॉटल्स मुझे मिली नहीं, वहां पे सिर्फ कैन्स ही अवेलेबल थे। तो एक कैन मुझे पड़ा 100 रुपीज़ में। मैंने अपने लिए बाय किए 10 कैन्स, यानी कि 1000 रुपीज़ में। और जब मैं उस बियर कैन्स को ले आया ना इन वालों को, तो मैं इन कैन्स को जब ठंडा करने के लिए रखने लगा ना, तो मैंने देखा कि कुछ कैन्स बीच में से जो हैं वो लूज़ हो चुके हैं, टाइट नहीं थे। जैसे कि ये आपको टाइट दिख रहा है ना, ऐसे टाइट नहीं थे, वो लूज़ हो चुके थे। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, जो लूज़ वाले थे ना, तो मैंने उनको एक साइड पे कर लिया। मेरे 10 में से 4 कैन्स मुझे जो है लूज़ मिले, यानी कि यहाँ पे 4 बियर्स का मेरा नुकसान हो चुका था। जो मैंने बियर्स सस्ते में बाय की थी, वो मुझे रेगुलर प्राइजेस से भी यहाँ पे महंगी पड़ गई। ऐसा इशू आपको ना फेस करना पड़े, इसके लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। तो मैंने क्या किया, जो बियर्स मेरी लूज़ हो चुकी थी कैन्स, मैंने उनको साइड पे कर लिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये खाली कैन है, ये वही कैन्स हैं जो मेरे लूज़ हो चुके थे। इनमें से मैंने बियर निकाल के चेक की थी, इसीलिए ये खाली है। आप देखिए, जैसे ये नॉइस आ रही है ना, ऐसे तब ये नॉइस आ रही थी, मैं दबा पा रहा था इनको। आप कभी भी अपने लिए बियर कैन्स बाय करें ना, तो आप उनको दबा के ज़रूर एक बार देख लीजिए, कहीं वो लूज़ ना हो गए हों, वरना आपको क्वालिटी इशू यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो मैंने जो कैन्स थे उनको साइड पे कर लिया, और जब मैंने उनको खोला ना, उनको ग्लास में पोर किया, तो उनमें से बिल्कुल भी कार्बोनेशन नहीं निकली, बिल्कुल भी फ्रॉथ हेड मुझे नहीं मिली, 1 mm भी नहीं मिली। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी भी मुझे फ्रॉथ हेड नहीं मिली, यानी कि बियर खराब हो चुकी थी। हालांकि मैंने टेस्ट करके देखी, वो बहुत ही बेकार टेस्ट कर रही थी, क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी देखा होगा कभी, जो गैस निकल जाती है कैसी टेस्ट करती है, बियर भी आपको बिल्कुल वैसी ही टेस्ट करेगी। मैं तो कहूँगा और भी ज़्यादा जो है बिटर लग रही थी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रही थी। तो मैंने एक कैन, जो टाइट वाला जो कैन था, मैंने उसको भी ट्राई किया, उसमें गैस और फ्रॉथ हेड बिल्कुल ठीक थी, जो टेस्ट था वो भी बिल्कुल बरकरार था। तो मैंने देखा कहीं ये बियर्स एक्सपायर तो नहीं थी, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद बियर्स में कार्बोनेशन और फ्रॉथ हेड का जो है इशू रहता है, लेकिन एक्सपायर होने के बाद। लेकिन जब मैंने देखा बियर्स में 10th मंथ तक, यानी कि अक्टूबर तक ये एक्सपायरी डेट पड़ी है इसकी, तो ये भी इशू नहीं था। तो यहाँ पे इशू आया इसकी क्वालिटी का, पैकेजिंग की क्वालिटी का। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, जो कैन्स होते हैं ना, वहाँ पे आप उनको प्रेस नहीं कर पाएंगे, इतने ये टाइट रहते हैं। लेकिन अगर वो लूज़ है तो आपको वो बियर नहीं लेनी है। लेकिन अब एक और इशू मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 कैन और पड़े हैं, इतनी बियर्स मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊँगा, इसीलिए मैं नहीं रखी। लेकिन ये वाला जो कैन है ना, इसको ये पहले जब मैंने रखा था ये टाइट था, लेकिन अब मैं इसे भी दबा पा रहा हूँ,
इसमें भी वही इशू मुझे लगता है 2-4-5 दिन में मुझे फेस करना पड़ेगा। अब क्या करूँगा, अभी तक तो ये ठीक होगी, मैं इसको आज या कल में मैं इसको पी लूँगा और ये मेरी बियर बच जाएगी, वरना ये भी बियर मेरी ख़राब हो जाएगी। तो ले देके दोस्तों बात यही है कि कैंस को हम बोलते हैं कि बॉटल से ज़्यादा बेहतर रहती है कैंड बियर्स जो होती है, लेकिन एक इशू मैंने जो इसमें भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन कोई बात नहीं, 400 रुपये का मेरा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल गया इससे, क्योंकि खर्चा करने के बाद भी बहुत बार एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना कोइंसिडेंटली, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं आपके साथ अब शेयर कर पा रहा हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है और कैन को आपको सिर्फ ऐसे दबा के देख लेना है कि ये टाइट है, तो आपको बेस्ट बियर अपने लिए मिल जाएगी। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी मैं अपने लिए कोई भी लिकर प्रोडक्ट बाय करता हूँ ना, मैं उसकी पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखता हूँ, चाहे वो विस्की ही क्यों ना हो, उसकी सील्स को, बॉटल्स को और पैकेजिंग को हमेशा चेक करता हूँ, ताकि मुझे कोई भी इशू यहाँ पे फेस ना करना पड़े। लेकिन इस बार गलती मेरी ही थी, क्योंकि जो सेल का माहौल था, वैसे भी शॉप्स के ऊपर बहुत भीड़ रहती है, आपको पता ही है सेल्स के दौरान, और वहाँ पे आपको चेक करने का इतना मौका नहीं मिलता है। हाँ, मैंने एक दो कैंस की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक की थी, वो वाले कैंस जो थे वो टाइट भी थे, लेकिन ये इशू मुझे 10 में से 4 में आया। तो जब भी मैं आगे से अपने लिए कैंड बियर बाय करूँगा ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी टाइटनेस और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लूँ, ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है हमेशा बढ़िया ही रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फ्यूचर में ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी, आप भी कभी ऐसे इशू को आप फेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने भी कोई किसी भी लिकर प्रोडक्ट में कोई इशू फेस किया है आपको, या फिर जो फेक बॉटल मिल गई है, या फिर कोई क्वालिटी इशू है, आप मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको अपने दोस्तों से शेयर भी करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पियो करो मजा, लो नज़ारे, चीयर्स, बट ऑलवेज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली।